आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप एट नाइन। मैं हूं मानक गुप्ता। विधायकों की पिटाई के बाद जो बिल बिहार विधानसभा से पास हुआ, हंगामे के बीच आज विधान परिषद से भी पास हो गया। यानी विपक्ष ने जिसे काला बताया था वो विशेष सशस्त्र पुलिस बिल 2021 अब कानून की शक्ल ले चुका है। लेकिन इसे पास कराने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया गया वो देश को रास नहीं आया। पटना से दिल्ली और विधानसभा से संसद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। जिस आंगन में बनाए जाते हैं कायदे कानून, उसी आंगन में कर दिया गया कायदे कानून का खून। गरिमा और मर्यादा की पाठशाला में परंपरा के सारे पन्ने चिंदी चिंदी उड़ गए। लोकतंत्र के मंदिर में लोक लाज ही पर लोक सिधार गई। कसूर किसका था इसका फैसला मुश्किल है, लेकिन ये समझना कतई मुश्किल नहीं। सदन शर्मसार हुआ, शासन बदनाम हुआ, कानून बनाने वाले गुंडों की तरह पीटे गए, महिलाएं भी पक्षी नहीं गईं। महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीर हरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी सीग्रेड पार्टी सीग्रेड नेता, जो खुद अनुकंपा पे मुख्यमंत्री, बैसाखी पे मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी को जानना चाहिए कि सरकार जो है आनी जानी चीज है। पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसी कानून के तहत घर में घुस के पीटा जा सकता है। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू थू कर रहा है, लेकिन निर्लज कुमार जी को क्या फर्क पड़ रहा है। जब सड़कें सूनी होती हैं, तो संसद आवारा हो जाती है। महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसी नारे के साथ लोक चेतना का अलग जगाया था। कल ही देश ने लोहिया की जयंती मनाई थी, शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस भी मनाया था। लेकिन इसी दिन बिहार विधानसभा में एक ऐसा बिल पास हो गया जिसमें पुलिस को खुद मुख्तार बना दिया गया। ये अधिकार भी दे दिया कि वो बिना वारंट के किसी की भी तलाशी ले सकती है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, यहाँ तक कि अदालत भी इसमें दखल नहीं दे सकती। आंदोलन की धरती बिहार में विपक्षी नेताओं ने इस बिल का पूरी शिद्दत से विरोध किया, लेकिन सरकार ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधेयक को पारित करा लिया। किसी को किसी के संरक्षण की भूमिका आप देंगे और सिर्फ संरक्षण की भूमिका में वहां पर खड़ा रहेगा और कोई आकर के अपराध करेगा तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, छोड़ दीजिएगा। यानी कोई गया है सुरक्षा के लिए और वहां पर कोई मान लीजिए फायरिंग शुरू करेगा तो उसको काउंटर नहीं करेगा, उसको गिरफ्तार नहीं करेगा, तो क्या करेगा कि ये कर रहे हैं तो हम परमिशन लेंगे कोर्ट से तब इनको गिरफ्तार करेंगे। ये कैसी भावना है। बोलते हैं कि बहस करना चाहिए। मेरे एक महीने के सत्र में जितने तथ्यपूर्ण मैंने बातें रखी, क्या सरकार नीतीश कुमार जी ने उसका जवाब दिया? पुलिस का बिल है, अब पुलिस ने जबरदस्ती पास कराया, सरकार आसन देखता रह गया। इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि अगले साल तक, पांचों साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। देश की संसद में भी बिहार विधानसभा में हुई घटना गूंजी। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे जघन्य अपराध बताया, लेकिन सभापति ने उन्हें इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं दी। राज्य का मामला नहीं है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं वहाँ बैठ करके पुलिसिया तंत्र के बदौलत मुख्यमंत्री जी। 40 सीट पे सिमटा दिए गए, बिहार का जनादेश पक्ष में नहीं था, लेकिन परमिटेशन कम्बिनेशन की सरकार ऐसे ही चला करती है। जो बात संसद में अधूरी रह गई वो सड़क पर पूरी हुई। मनोज झा ने सवाल दागा, क्या नीतीश कुमार बिहार को तालिबान बनाना चाहते हैं? कल जो व्यवहार हुआ है अशोभनीय है, हम राज्यपाल महोदय से आग्रह करेंगे संज्ञान में लें, महामहिम को रिपोर्ट भेजें और बिहार में राष्ट्रपति शासन। आप लोग क्या इस तरह का तो कभी व्यवहार होता नहीं है। आज बोल रहे हैं कि पुलिस वाले आई, तो स्पीकर साहब के हाथ में है
पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वो कोई भी सेवा ले सकते हैं। मंगलवार को विधानसभा में हुए बवाल का असर बुधवार को विधान परिषद में भी दिखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे से भिड़ गए। माहौल इतना गर्म हो गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। सीएम नीतीश कुमार खुद को रोक नहीं पाए, आग बबूला हो उठे। जनता रिजेक्ट किया है और आप लोगों का ठीक से जवाब देगी। देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता भी मंगलवार को विधानसभा में हुई घटना को लोकतंत्र का चीर हरण बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब नीतीश कुमार पूरी तरह से आरएसएस बीजेपी में नजर आ रहे हैं। और कोई आकर के अपराध करेगा तो सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।